ये ताइवान पिंक गोवा क्लोना प्लांट्स हैं। ये अभी मैंने लगा के 13 महीना हुआ है, अभी ये दूसरा फसल शुरू हुआ है। पहले फसल में मेरे को 10 किलो एवरेज मिला है, तो अभी ये सेकंड फसल में मेरे ख्याल से 25 से 30 किलो मिलेगा, मतलब दूसरा साल पहले फसल में। ये अभी वीएनआर से कॉम्पिटेट करके देखेंगे, वीएनआर से काफ़ी बेहतरीन है ये। इसको फोम नेट, पॉली कवर, न्यूज़पेपर ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकंड ईयर फर्स्ट क्रॉप में मेरे ख्याल से 25 से 30 किलो एक पेड़ से मेरे को फसल मिलेगा। अभी बाज़ार में 80 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन अभी इतना बहुत तेज़ बाज़ार है। अब 40 रुपये किलो रखिएगा, फिर भी 1000 रुपया एक पौधा को आराम से मिलेगा। तो एक एकड़ में आप 1000-1200 पौधा लगाएंगे, 10 से लेके 12 लाख रुपया एक फसल में मिलेगा, और सेकंड फसल में भी उतना ही मिलेगा। इसमें पक्का गारंटी है, 20 लाख रुपये एक एकड़ में आराम से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और वीएनआर में क्या होता है, आप ये लगाइए, फोम नेट लगाइए, पॉलिथीन न्यूज़पेपर लगाने के बावजूद भी आपको 50% जो है डागी होके 10-20 रुपये में आपको बेचना पड़ता है। ये हमारा वैसा नहीं है, ये पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी है, और इसका बीज जितना मुलायम रहता है, अनार जैसा, सीडलेस अनार जैसे, अनार में जैसे बीज रहता है उसी तरह एकदम सॉफ्ट बीज रहता है, कोई भी इसको खा सकता है। अभी देखिए कि इतना इसमें ये भरा हुआ है फूल, ये चल के अभी 4 महीने के बाद आपको सक्सेसफुल क्रॉप बन जाएगा। इसमें ड्राप भी बहुत कम है, आपको खुद आके तोड़ के गिराना पड़ेगा। जैसे ये देखिएगा, ये तंदुरुस्त इसमें दो है, इसमें आपको ये थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा ना, इसको निकाल दीजिएगा। तो वैसा भी अभी इसमें देखिएगा, यहाँ 3 लगा हुआ, फल सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, एक इधर की निकाल दो। इसी तरह आपको आपको देख के आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्दी फल को रखिएगा। इसी तरह आपने एक पेड़ में आप 100 फल रखिएगा, 100 में ये एवरेज आपको 250 ग्राम से लेके 350 ग्राम होता है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए, मतलब आधा किलो से ऊपर, जैसे कुछ बाज़ार में दिल्ली बाज़ार की डिमांड है 1/2 किलो के ऊपर, 750 की, ये 750-800 ग्राम तक भी भोजन होता है, तब आपको क्या करना है, 40 फल रखना है, आराम से आपको 750 ग्राम हो जाएगा। ये कोई भी एक्सपोर्ट क्वालिटी, इसका कीपिंग क्वालिटी वीएनआर से दुगना है। ये इसका कीपिंग क्वालिटी आपको एक हफ्ता से लेकर 10 दिन तक बगैर फोम नेट की खाली टेबल पे आप रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा कीपिंग क्वालिटी है। और किसान को इसको खेती करना बहुत आसान है, क्या इनको खाली वैसे जैसे अपना धान की खेती करते हैं और मक्का की खेती करते, उसी तरह आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। ये एक साल में आपने 2.5 फसल निकाल सकते हैं, 2 साल में 5 फसल आराम से आपको मिलेगा। ये बिंदास से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्लोनर प्लांट को उम्र कम है, मतलब ये ज़्यादा दिन ये बच नहीं पाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ 10 साल की पक्का। और किसान का आजकल क्या चाहिए, जल्दी आमदनी चाहिए, ये 10 महीने के अंदर एक आमदनी आपको मिल जाएगा, तो ये सही है इंडियन फार्मर के लिए, तो एकदम बिल्कुल बेहतरीन है। ये देख लीजिएगा कैसे अभी ये लगा हुआ है, तो कैसा है, कितना अच्छा, कितना शानदार है। और इससे क्या चाहिए किसान को, मैं बता, इसमें कोई बीमार नहीं, कोई रोग नहीं है ना। इसमें हमारा जो नर्सरी है, हम लोग इसका क्लोनिंग नर्सरी हमारा पास है, देखिए जो पौधा जो है प्रॉपगेट करते हैं एकदम रोग रहित, डिसीज फ्री प्लांट हम लोग देते हैं। एक पौधा 50 रुपये में दे रहे हैं हम लोग ने, अभी वीनर का भाव है 150 रुपया है, तो आजकल कौन लगाएगा भाई इतना भाव से। आप 10 एकड़ लगाने खेती करने चाहते हैं तो क्या आपने 150 रुपये में खरीद करके लगा सकते हैं, वो भी फसल मिलेगा 2 साल के बाद, क्या ये आसान है किसान के लिए? तो 150 रुपये क्यों खर्चा होता है बताइए अभी एक पौधा के लिए। हाँ,
फ़ायदा उठा रहा है, डिमांड सप्लाई में वो फ़ायदा उठा रहा है, 50 रुपये में मेरे को अच्छा फ़ायदा हो रहा है, तो उनको क्यों नहीं होगा। तो इसलिए देश को अगर सेवा करना है तो ये जो क्लोनिंग सिस्टम है हमें इन्वेंट किया है, ये ऑलरेडी हमारा साइंटिस्ट लोग ने पहले इन्वेंट करके रखा था, ये सब किताब में छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग ने गोवा में क्लोनिंग सिस्टम इंडिया में फर्स्ट टाइम हम लोग क्लोनिंग कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 1 लाख पौधा बेच चुके हैं, अभी हमारे पास काफ़ी पौधा रेडी है, पूरा हेल्दी पौधा से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी जरा सा भी नरम दिखा है वो पौधा को हम लोग निकाल देते हैं, निकाल के फिर अच्छा पौधा से हम लोग ने इसको प्रोपगेशन करते हैं। तो हर एक चीज़, हर एक फल यहाँ आइएगा, कोई भी खुद आके चेक कर सकते हैं, तो कितना शानदार इसमें फसल भरा हुआ है। तो आप बिंदास इसको लगाइए, 10 साल नहीं, मैं 15 साल की गारंटी दे रहा हूँ इसको उम्र का। कुछ लोग ने कह रहा है इसका ये क्लोनल प्लांट ने जल्दी मर जाता है, इसको उम्र क्या है, वैसा कुछ वो गलत हवा उड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। तो ये आइएगा, मैंने अभी ये जो क्लोनल है मैंने 6 साल से कर रहा हूँ अपनी खुद की खेत में, अभी 6 साल से हम लोग ट्रायल में हैं, ये सक्सेस होने के बाद 5 साल के बाद हम लोग ने अभी 6th ईयर चल रहा है, तभी मैंने बाज़ार में लाया गया है इसको, 100% सक्सेस है। मतलब ये जो एक रेवोल्यूशन है हार्टिकल्चर में, एक बड़ा रेवोल्यूशन है ये क्लोनिंग सिस्टम। ये साइंटिस्ट लोग का पास भी है टेक्निक, लेकिन क्या उनको काफ़ी, उनको ऊपर उनका अधिकारी है, जल्दी ये बाहर आने नहीं देता है। किसान को फ़ायदा होगा तो अधिकारी को क्या फ़ायदा है, तो इसलिए अधिकारी भी चुप रहते हैं, उतना आज़ादी नहीं रहते हैं। तो इसलिए सिस्टम, क्लोनिंग सिस्टम बहुत बड़ा अच्छा टेक्निक है, ये हार्टिकल्चर में गोवा में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ये कोई भी किसान बिंदास आप भरोसे से लगा सकते हैं। मैंने NIPHM में ट्रेनिंग लिया गया है, नेशनल इंस्टा प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, ये हैदराबाद में रहता है। तो इसमें रोग रहित, नेमटोड फ्री और डिसीज़ फ्री, विल्ड फ्री कैसे करना है, ये हम लोग ने वहाँ ट्रेनिंग में सीख गया है, 4 दिन की ट्रेनिंग में। और भी वहाँ कोई भी किसान जाए, वहाँ फ्री अकोमोडेशन मिलता है, हर एक किसान के हिंदुस्तान को कोना कोना किसान कोई भी जा सकते हैं, उनको इतना अच्छा से वहाँ आपको ट्रेनिंग मिलेगा। और बिंदास हमारा पौधा ले जाके कोई भी सरकारी या प्राइवेट लैब में आप चेक करा सकते हैं, जब ये रोग रहित निर्धारित हुआ तभी हमसे लेना है, ये मेरा गारंटी है पक्का, आप बिंदास इसको ले सकते हैं।